हेलो फ्रेंड्स, दिस इज लक्ष्य एंड यू आर वाचिंग मिनी टेकअप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं आईफोन 11 प्रो को। तो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आईफोन 11 का बॉक्स अपने पास आईफोन 11 प्रो आ गया है। तो जल्दी से हम इसकी अनबॉक्स करते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स को ऊपर देखते हैं हम लोग। ऊपर एप्पल लोगो और फ़ोन बना हुआ दिख जाता है आपको। टिपिकल आईफोन स्टाइल में बॉक्स है। मैं जल्दी से बॉक्स को खोलता हूँ। ऊपर रखा हुआ मिल जाता है फ़ोन। फ़ोन में आप देख सकते हो ट्रिपल कैमरा सेटअप है और एप्पल लोगो मिलता है, जो इस बार में ग्रिप में जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा स्लीक है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। मतलब टेक्सचर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये मैटी फिनिश में आ गए। एक तो ग्लास है वो बहुत अच्छा बना है। ग्लास के ऊपर इन्होंने जो टेक्सचर यूज़ किया बहुत ही ज़्यादा प्यारा किया है, जो इसको किया है। मतलब ये ग्लॉसी नहीं मिल रहा आपको, फिंगरप्रिंट मैग्नेट नहीं मिलेगा इसके अंदर। नीचे की बात करूँ तो आपको नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, पेपर वर्क मिल जाता है, सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है और एप्पल स्टिकर मिल जाते हैं, जो आज तक शायद कभी यूज़ नहीं किए। मैंने तो नहीं किया पर्सनली, आपने किया तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिल जाता है आपको ईयरफोन्स मिल जाते हैं, जो कि नॉर्मल लाइटनिंग पोर्ट है, कोई आपको हेडफोन जैक नहीं मिलने वाला इस फ़ोन में। फिर उसके नीचे आपको टाइप सी एक डेटा केबल मिलती है, मतलब टाइप सी से लाइटनिंग केबल। हाँ दोस्तों, कोई टाइप सी नहीं मिलने वाली, लाइटनिंग केबल मिलने वाली है। टाइप सी से लाइटनिंग केबल मिल जाती है और एक अडाप्टर मिलता है, जो कि फास्ट अडाप्टर है, 18 वाट तक फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। फ़ोन को ऊपर मैं उठाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्सचर बहुत प्यारा है। ट्रिपल कैमरा मेन हाईलाइट है। मैं सबसे पहले फ़ोन का बबल रैप हटाता हूँ। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है हाथ के अंदर, जो टेक्सचर है बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। ये आईफोन 11 XS साइड बाय साइड आप चेक कर सकते हो दोनों ही फ़ोन्स को कंपैरिजन में, कि दोनों ही फ़ोन्स में क्या डिफरेंस आया है पिछली बार से अब तक के। आपको एप्पल लोगो मिलता है, थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है जो कि पहले से, और कैमरास जो है वो 2 से 3 हो चुके हैं। और मेन डिफरेंस आपको कुछ नहीं मिलता। पीछे से अगर लुक्स की बात करूँ तो एग्जैक्टली सेम मिलता है, और फ्रंट से तो एग्जैक्टली सेम है। फिजिकल ओवरव्यू की मैं बात करूँ तो आपको एक साइड में पावर अनलॉक लॉक बटन मिल जाता है, दूसरी साइड में बात करूँ तो वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाता है। बैक साइड की मैं बात करूँ तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें कि ट्रिपल कैमरे में आपको मिल जाता है 12+12+12। एक कैमरा है नॉर्मल, दूसरा है 2x और तीसरा है अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ या वीडियोज़ रिकॉर्ड करने का ऑप्शन दे देगा। और आप स्विच कर पाओगे बहुत ही स्मूथली इन तीनों के अंदर। जो पावर्ड है फ़ोन, वो A13 बायोनिक चिप के साथ में है और फ़ोन काफ़ी ज़्यादा दमदार और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील हो रहा है हाथ के अंदर। जो टेक्स्चर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये कलर जो मुझे ग्रीन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। ये एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो इस फ़ोन की, बाकी आपको कंप्लीट रिव्यू वीडियो मिल जाएगा मेरी तरफ से। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा चैनल को बढ़ाओ यार, थोड़ा प्यार बरसाओ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।